सुन सकती। साधक की समस्याएं पुस्तक का चौथा प्रकरण अहंग के नए रूप हम पढ़ते आ रहे हैं। दो बार में जो हमने पढ़ा था उसको उसी के संदर्भ में कुछ प्रश्न उभरे हैं। पहला है, संगठन केवल सांख्यिकी एकता नहीं, वह अपने आप का विशिष्ट व्यक्तित्व एवं चरित्र रखता है, कृपया उदाहरण से समझाइए। अपने यहाँ एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कल्पना कीजिए, एक तो ईंट है, एक बाटा है, एक कोई छोटा सा रोड़ा है, ऐसी सामग्री अगर होगी तो उससे क्या मकान बन सकता है? और उससे जो मकान बनने की कल्पना करते हैं वो कितने धोखे में है। और कोई अगर ऐसा प्रयास करके ज़बरदस्ती जोड़ तोड़ करके उनको तीन चार रोड़े एक साथ लगा दिए, फिर ईंट लगा दी, फिर कोई बड़ा पत्थर आ गया तो ईंट पे ईंट रख के ऐसा भी प्रयास करेगा तो वो बिल्कुल ऐसा बेतुका काम होगा और बेढंगा काम होगा कि वो एक मकान का काम नहीं दे सकता। कहीं से भी कुछ भी खिसक जाएगा तो टूट जाएगा। तो ऐसा संगठन जिसमें सबका एक ध्येय नहीं हो, पहली बात, जिसमें सबका एक ध्येय हो तो फिर उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार का रास्ता अपनाया जाए, एक ही मार्ग अपनाया जाए, एक ही तरीका अपनाया जाए, ये दूसरी आवश्यकता है। तीसरी, उस संगठन का नेता केवल एक हो, ऐसा नहीं हर आदमी नेता है, बल्कि एक नेतृत्व में एक आदमी की आवाज़ पे सब जगह काम होता हो, एक आदमी की आवाज़ पे सब इधर से उधर होते हों, ऐसा जो संगठन है उसकी एक विशेषता है, एक मार्ग होना, एक नेता होना, एक ध्येय होना। और उस संगठन में चलने वाले, हमने मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया कि हमारा नेता एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा मार्ग एक है, लेकिन फिर भी अपनी कुंठाओं को, फिर भी अपने अज्ञान को, फिर भी हम अपने अहंकार को, फिर भी अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अगर हम सीमित करके नियंत्रित करके उस संगठन के अनुरूप नहीं बनाते हैं तो भी वो संगठन नहीं है। संख्या की एकता कह सकते हैं उनको आप, मतलब गिनती में खूब इकट्ठे हो गए, कोई एक परिस्थिति आई और उस परिस्थिति में सारे एक हो गए। कहते हैं जंगल में जब आग लगती है तो शेर, बकरी, खरगोश, हिरण, जितने भी हिंसक जीव भी और दूसरे जीव भी डर के मारे, आग का डर मुख्य है, उस डर के मारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो संगठन नहीं है। जैसे ही वो खतरा टला और हिंसक जीव अपना काम करना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार किसी भी संगठन में जब तक विचार एक नहीं हो, जब तक उनकी भावना एक जैसी नहीं हो, तब तक उसको संगठन नहीं कह सकते। कोई ऐसा अचानक काम आ गया इसलिए हम इकट्ठे हो गए, ये कह सकते हैं, लेकिन संगठन तो वो है जिसमें कि हम सब एक विचार वाले हों। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? फिर जिसका विचार नहीं मिलता वो कहता मैं तो इसके साथ नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ। इस प्रकार से अलग होते जाएंगे और वो जो अलग होना है वो कभी रुकता नहीं है। हमारे यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक संस्था है जो कभी एक थी और वर्षों तक एकता के हिसाब से चलता रहा। हालांकि उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसी कोई व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने वाली कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन फिर भी एक नाम से सब एक जगह बैठे थे। लेकिन आज की तारीख में क्षत्रिय महासभा के पता नहीं कितनी शाखाएँ हो गई है, अलग अलग, वो कहता है मैं असली हूँ, वो कहता है मैं असली हूँ, वो कहता है मैं असली हूँ। तो यही स्थिति होती है जब संगठन में इन सब प्रकार की समानताएँ नहीं होती है। और जब इस प्रकार की सब की समानताएँ होती है वो उसका एक व्यक्तित्व होता है, वो एक विशिष्ट उनका गुण होता है, उनकी विशिष्टता होती है। क्षत्रियुक्षण के लिए हर आदमी जो क्षत्रियुक्षण को अच्छी तरह जानता है, समझता है, वो बिल्कुल सही ढंग से मान सकता है कि भाई संघ में एक डोर से सब हिलते हैं। अगर संघ प्रमुख ने कह दिया कि ऐसा नहीं भाई, ऐसा करेंगे अपन, तो फिर किसी के व्यक्तिगत विचार जो कुछ भी है उसको भी वो उसी ढंग से, उस जो विचार उसको उसको कहा गया है उस विचार के अनुसार बनाने का प्रयास करता है। ये है विशिष्टता, ये है उसका व्यक्तित्व, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वो संगठन का रूप नहीं है बल्कि सांख्यिकी एकता है।
शुद्धि प्रयोग किसी पर किया जा रहा हो, शुद्धि प्रयोग से स्वयं की रक्षा को कृपया सांघिक उदाहरणों से स्पष्ट करावे। शुद्धि प्रयोग का अर्थ है कि साधक हैं हम, और मैं क्षत्रिय संघ की साधना में चल रहा हूँ, और क्षत्रिय संघ की साधना में चलते चलते मेरे शिक्षक को नज़र ये आई कि मेरे में कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, और वो जो मेरी महत्वाकांक्षाएँ हैं वो महत्वाकांक्षाएँ जोर मारेगी और ऐसी बन जाएगी, इतनी मजबूत बन जाएगी कि वो संघ की महत्वाकांक्षा के अनुरूप नहीं रहे, तो फिर मेरी बात अलग होगी, संघ की बात अलग होगी, तब मेरा शिक्षक मेरे ऊपर शुद्धि प्रयोग करता है, यानी मेरी उस महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करता है। जब वो नियंत्रित करने का प्रयास करता है तब मुझे तकलीफ होगी, और मुझे तकलीफ होगी तो मैं पता नहीं किस तरह का रिएक्शन करूं। अब अगर मैं साधक हूं, मैं संघ की साधना के साथ चलना चाहता हूं, ये मेरी आत्मस्वीकृत इच्छा है, तो जैसा प्रयोग किया जाएगा उस प्रयोग के अनुकूल मैं अपना काम करूंगा या मैं उस प्रयोग को अपने ऊपर चलने दूंगा। लेकिन अगर शुद्धि प्रयोग के लिए, शुद्धि के लिए किया गया प्रयोग ऐसा हो जिसमें प्रयोग करने वाले के मन में उस, जैसे मेरे ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है, मेरी कोई अशुद्धि को शुद्ध करना चाहता है, और उसका मेरे प्रति द्वेष हो, मेरे प्रति वैर हो, मेरे प्रति कोई पूर्व धारणाएं हो, तो वो जो उस तरह की जो उसकी कुंठा है वो फिर शुद्धि प्रयोग को सही ढंग से चलने नहीं देगा, वो तो होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से वो शुद्धि प्रयोग सही नहीं हो सकता, फिर तो वो व्यक्ति मेरे में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को और उभार सकता है, और जो प्रयोग इस ढंग से किया जाएगा वो मेरे ऊपर सफल नहीं होगा। मैं ऐसा अनुभव करूंगा कि मेरे को जो कहा जा रहा है वो बात भी संघ के अनुकूल नहीं है, तो फिर मैं वापस रुक जाऊंगा या तो, और या फिर मैं उस बात का विरोध करूंगा। तो शुद्धि प्रयोग करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि जिसके ऊपर शुद्धि प्रयोग किया जा रहा है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं हो, कोई पूर्व धारणा नहीं हो, कोई वैर नहीं हो, और मेरे इस संगठन का, जैसी मैं एक इकाई हूँ वैसे ये एक इकाई बनने जा रहा है, इसलिए ये भी इतना ही सुंदर, मजबूत और दृढ़ इकाई बने, इस भावना से हमको शुद्धि प्रयोग करना चाहिए। तो जैसा कहा गया है ना कि शुद्धि प्रयोग से स्वयं की रक्षा, मतलब जब ऐसा होगा कि मेरे प्रति, मुझे ऐसा महसूस होगा क्योंकि मेरे प्रति इस व्यक्ति में द्वेष है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो फिर मैं अपनी रक्षा करने की कोशिश करूँगा, मैं अपने आगे ढाल खड़ी करने की कोशिश करूँगा, और वो जो ढाल खड़ी करने की कोशिश होगी वो मुझे भी बर्बाद करेगी, और जो मेरे प्रति ईर्ष्या वगैरह, द्वेष वगैरह रखता है उसको भी न तो उसका शुद्धि प्रयोग सफल होने देगी और न उसको जो काम करना चाहिए था वो काम करने देगी। इसलिए ऐसा भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। रोग निदान के दूसरे विकल्प के प्रयोग की कृपया सांघिक प्रक्रिया समझावें। रोग निदान के दो उपाय बताए गए, एक तो ये कि वो नहीं मानता है तो उसको मरने दो, वो खत्म हो गया, वो साधक नहीं रहा अब। लेकिन ये तो फिर जैसा कहा गया कि वैद्य का भी तो सपना है, रोगी का या अकेले का सपना थोड़ा ही है, वैद्य का, जो संगठन करता है, जो संगठन को लेके चल रहा है, उसका भी सपना है कि हर व्यक्ति ऐसा सुंदर कड़ी बने, संगठन की ऐसी सुंदर कड़ी बने, इसलिए तो वो साधना करवा रहा है, इसीलिए तो वो सारे मार्ग की व्यवस्था कर रहा है। इसलिए जब प्रयोग किया जाता है तो दूसरे विकल्प को लिया जाता है, और वो दूसरा विकल्प क्या है कि अपने रोग निदान के, रोग उपचार के जितने भी आज तक के अनुभव हैं उन अनुभवों को झुठलाना नहीं है, अर्थात उन सभी अनुभवों को काम करते हुए, सभी अनुभवों को काम में लेते हुए किसी भी तरह से ये जो एक रोग पैदा हो गया है किसी व्यक्ति में, उस व्यक्ति के रोग को दूर करना है, ये भावना होनी चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं होगा और ऐसा करते हुए, अगर कहा तो ये गया है कि प्राण की भी परवाह नहीं करनी चाहिए,
हालांकि कोई प्राण के ऊपर कोई हमला होने वाला नहीं है, लेकिन अर्थात ये इसका अर्थ ये है कि ऐसा करने में अगर वो मेरे प्रति कोई विद्वेष रखता हो, मेरे प्रति कोई अनर्गल अनर्गल प्रचार करता हो, या मेरे मेरे प्रति झूठा दूसरे लोगों को बहकाने का प्रयास करता हो, तो भी परवाह मत करो। उस व्यक्ति में अगर सुधार हो सकता है, ऐसे कोई भी उपाय हो, वो सरलता से समझा कर, विनयपूर्वक, उदाहरण देकर, दूसरों के ऐसे ही कभी कोई काम हो गया हो और उसने कैसे ठीक किया अपने आप को, ये सब समझा कर। क्योंकि कोई रोग उत्पन्न होता है तो सबसे पहले तो मैं मेरे रोग को ख़त्म करूं, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मुझे कैसी भी दवाई दी जाए, उस दवाई का असर कैसे होगा, मैं लूँगा या नहीं लूँगा ये भी कोई कह नहीं सकता। कोई कहे ये दवाई है, इसका ये उपचार है, तो मैं ये उसका परहेज है, तो मैं वो परहेज भी पालन करता हूँ या नहीं करता हूँ कोई पता नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। तो लेकिन अगर मेरी इच्छा है तो दूसरा विकल्प जो मेरे ऊपर किया जाएगा उस पर मैं ध्यान दूंगा, और उस विकल्प में मुझे समझाने का भी प्रयास होगा, मुझे ये कहने का भी प्रयास होगा कि खुद हमारे ऊपर क्यों निर्भर कर रहे हो, तुम खुद आत्मचिंतन करो, तो मैं उस ओर भी प्रयास करूंगा। हमको ये भी कहा जा सकता है कि देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको 5 दिन के लिए ये सजा, वो भी हो सकता है, थोड़ी सख्ती सी काम ली, और उसके बाद ज़्यादा सख्ती भी काम ली जा सकती है, कोई ज़्यादा सज़ा भी दी जा सकती है। तो चाहे किसी भी प्रकार का प्रयोग करें हम, उस रोग को दूर करने के लिए समझाने के तरीके से, उदाहरण देकर समझाने के तरीके से, उसके खुद के आत्मचिंतन को जागृत करके प्रयास करना चाहिए, और हो सके सजा देनी पड़े यानी सख्ती से भी काम लेना पड़े, वो ऐसा भी अगर प्रयोग करना पड़े तो उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। सांघिक साधना में पूर्ण एकता के विरोधी तर्क विचार सामान्यतया कौन कौन से होते हैं, कृपया उदाहरण देकर समझें। संगठन है बना रहे हैं हम, और संगठन जैसे एक श्रृंखला का उदाहरण लें अपन, कई श्रृंखलाएं मिलके एक लंबी सांकड़ बनी, ये जो श्रृंखला है उसमें एक कड़ी को जहां फिट किया गया वहां उसको अपना जो कुछ दायित्व तो बनता है वो करना चाहिए, वहाँ उसको अपनी दृढ़ता दिखानी चाहिए। इसकी बजाय अगर वो कड़ी ये कहे कि मैं तो यहाँ नहीं यहाँ रहूँगा, मैं तो बिल्कुल एंड में मैं रहूँगा ताकि लोग मेरे को देखते रहें, तो वो तो संगठन तो नहीं है, वो साधक ही नहीं है, वो संगठन की कड़ी नहीं है, वो संगठन को तो तोड़ कर वहाँ जाना चाहता है। इसका मतलब है कि संगठन में वो फिट नहीं है। अब उसका अगर विरोध किया जाता है, उसको पूर्ण एकता में ढालने का प्रयास किया जाता है कि नहीं तुम्हारी जगह ये ठीक है, तुम फिट हो, यहीं रहो, तो निश्चित रूप से वो विरोध करेगा, और वो विरोध में कोई भी तर्क दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को संघ प्रमुख बनाया गया, संघ प्रमुख बनाया गया और मेरे मन में ये आई, ये व्यक्ति संघ प्रमुख, इसको तो मैं लाया हूं संघ में, और इसको ही नहीं, आज जो क्षत्रिय संघ में जितने भी लोग सक्रिय हैं उनमें अधिकतर तो मैं लाया हूं, मैं इनका शिक्षक रहा हूं, और आज ये शिक्षक बनेगा, हमारा शिक्षक बनेगा, ये जो बात है, तब वो तर्क क्या देगा, मन में तो ये बात आई, और तब वो तर्क ये देगा, साहब देखो हमने मेहनत करके इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया है और अब इसको गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमको मिसगाइड कर देगा, ये कल का छोटा बच्चा है, इसको कहाँ आप संघ प्रमुख का दायित्व दे रहे हो। वो पूर्ण एकता में तो जिस किसी को जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को वो निभाए। मैं कितना ही पुराना स्वयंसेवक हूँ लेकिन मेरे को अगर कहा गया है कि ये आपका प्रांत है, इस प्रांत में ये आपका प्रांत प्रमुख है, ये आपका मंडल प्रमुख है, और यहाँ इस मंडल में आपको ये शाखा लगानी है, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जो मेरे को काम दिया गया है उस काम को मैं भली प्रकार निभाऊं। मैं चाहे पुराना हूँ, नया हूँ, जैसा भी हूँ, तब तो मैं संगठन की कड़ी हूँ, तब तो मैं साधक हूँ, तब तो मैं इस क्षत्रिय संघ के संगठन के लायक व्यक्ति हूँ, मैं इसका स्वयंसेवक हूँ।
अन्यथा मैं ये कहूँ मैं ये तो नहीं करूँगा साहब, ये क्या आप तो मंडल प्रमुख प्रांत प्रमुख और ये जो ऊपर आपने जितने बैठे हैं ये सब मेरे से जूनियर हैं, तब वो तर्क इस ढंग से देगा साहब, वो कहाँ, वो तो समझ नहीं पाएगा, वो प्रांत को कैसे संभालेगा, आप ये नहीं है, आप ये जिम्मेवारी दो या उसके साथ एक दो आदमियों को दो या फिर उसको एक कमेटी बना दो, वो इस तरह के विचार रखेगा जो कि पूर्ण एकता के विरोधी विचार हैं। और उन पूर्ण एकता के विरोधी विचारों को अगर हम मान लेंगे तो कभी एकता होगी नहीं। इसलिए कोई ऐसा भी कह सकता है साहब ये देखो ये आदमी आज संघ शक्ति चला रहा है, ये संघ शक्ति का काम देखता है, क्या आता है इसको, किताबों की नकल टीपता है या ऐसे ऐसे लेख लिखवाता है जिसका कि कोई किसी के समझ में नहीं आती, इससे मतलब क्या है, इसके बजाय ये काम दूसरे को दो, मन में है मेरे को दो, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता मेरे को दो इसलिए किसी दूसरे को दो, और कुछ हेल्प करनी हो तो हम भी हेल्प करेंगे, आप प्रयास तो करो। जो इस तरह के कोई भी इस ढंग के विचार हैं, किसी को सौंपे हुए दायित्व के खिलाफ बोलना, संघ के किसी सिद्धांत के खिलाफ तर्क देना, ये जितनी भी बातें हैं वो सांघिक साधना की पूर्ण एकता के विरोधी विचार हैं। और उन विरोधी विचारों को सामान्यतया हम अगर स्वीकार कर लेंगे या उनके ऊपर कान देना शुरू कर देंगे तो संगठन नहीं हो पाएगा। उन विरोधी विचारों का हमको उत्तर देना है, हमको समझाने का प्रयास करना है। किसी की अगर धारणाएं हैं, ये किसी ने अगर धार ही लिया है कि मुझे तो यही बात करनी है, तो फिर वो संघ में रह नहीं सकेगा, वो संघ से अलग ही जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जब हम प्रयास करेंगे तो धीरे 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 वो लाइन पर आ जाएगा। अहम का उद्गम अज्ञान से है, यद्यपि उसका दावा ज्ञान का है, कृपया इसे स्पष्ट करें। अहम का उद्गम अज्ञान से है, बताया गया था कि जो कर्मजन्य अहंकार है, यानी हम कर्म करते हैं उससे हमको ये लगता है कि ये तो मैंने किया, कर्तापन का भाव आता है, ये अहंकार मनुष्य जाति का पीढ़ियों से चला आ रहा है, लंबा चौड़ा ये स्वभाव बन गया मानव जाति का। तो ये जो कर्मजन्य अहंकार है ये निश्चित रूप से किसी भी साधना में हर साधक के लिए बाधक बनेगा, और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों का अज्ञान है ये, और अज्ञान के कारण से ही लोग समझते हैं कि मैंने काम किया। अगर ज्ञान हो कि काम करने वाला मैं नहीं हूं भाई, कोई करवा रहा है, अगर ऐसा ज्ञान हो तो निश्चित रूप से अहंकार नहीं होगा। अगर ज्ञान हो और व्यक्ति चिंतन करे कितना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, ये जो सौर मंडल है ऐसे न मालूम कितने सौर मंडल है इस सारे ब्रह्मांड में, और उन ब्रह्मांड में जैसे एक सौर मंडल हमारा सौर मंडल है, उस एक सौर मंडल में इतने ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, ये सारे ये चंद्रमा, ये जितने ग्रह हैं ये सब हैं, और उनमें एक पृथ्वी, मतलब कितना सीमित हो गया, उस पृथ्वी में पूरा जो विश्व है उस विश्व में भारत, और भारत में राजस्थान, और राजस्थान में राजपूत जाति, और उस राजपूत जाति में एक कितना नगण्य हूँ मैं, कितना अकिंचन हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता। इस सारी स्थिति के सामने, इस सारे अस्तित्व के सामने मेरा अस्तित्व क्या है, अगर हमारा ये विचार बने तो हमको ज्ञान होना प्रारंभ होता है, और तब अहंकार कैसे आएगा, फिर किस बात पे कूद रहा है तू, क्या समझता है अपने आप को, है कौन तू, निश्चित रूप से इससे अहंकार सीमित हो जाता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक अहंकार रहेगा, और ज्ञान आ जाएगा यानी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैंने किया ये संभव, ये बात नहीं हो मेरे द्वारा किसी ने करवाया और मैं करता नहीं हूँ, ये भाव जब आता है जो कि सांख्य योग है, ये भाव जब आता है तो फिर अज्ञान खत्म हो जाता है, फिर अज्ञान रहता ही कैसे है, फिर अहंकार पनपेगा ही कहाँ से, जब ये रहा ही नहीं कि मैंने किया है तो कैसे अहंकार होगा। अहंकार हमेशा अपनी किसी एक विशेषता के लिए कूदता है, कोई काम मैंने किया तो कूदता है, कोई मैंने काम तो नहीं किया, मैंने कुछ एक लेख लिखा तो कूदता है, मैंने एक संगीत की पंक्ति पर कुछ लिख दिया तो कूदता है, ये मैं कर रहा हूँ, मैंने एक नई शाखा शुरू कर दी तो कूदता है, ये देखो मैंने संघ में एक शाखा शुरू की है। जो हम करते हैं उस कर्मजन्य
जो परिणाम है उसके कारण से हमारे अहंकार पैदा होता है। तो जब ये ज्ञान हो जाए कि कर्ता मैं नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से अहंकार नहीं रहेगा। और फिर ये होगा कि हम तो उपकरण है एक, हमको जिधर चलाया जाएगा चलेंगे, जहाँ रुकने के लिए बोला जाएगा रुकेंगे, जहाँ कूदने के लिए कहा जाएगा कूदेंगे, करवाने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ उनकी कठपुतली मात्र हैं। ऐसा जब होगा तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा और ज्ञान आ जाएगा, तब अहंकार निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब आगे का पठन प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक साधना में सांख्य योग का उपदेश सुनकर ये मान लेते हैं कि हमने उस पर आचरण कर लिया है। ये मानसिक विचार हमारे लिए तब तक सत्य बना रहता है जब तक कर्म फल का लंबा चिट्ठा उसकी वास्तविकता को नहीं प्रकट कर देता। हमने प्रारंभ में सुना, सांख्य योग का उपदेश सुना, और सांख्य योग क्या कहता है? कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता वो है। कर्तापन का भाव समाप्त हो जाए, यही है सांख्य योग। तो हमने सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हम कहाँ करते हैं, संघ करवा रहा है, ये प्रारंभ की बात है। लेकिन ये सिर्फ हमारे मानसिक विचार है, अभी तक व्यवहारिक रूप से मैदान में आने पर जो स्थिति बनती है और जो जिस तरह के विचार पैदा होते हैं उस पर अभी हमारा ध्यान नहीं गया है। ये मानसिक विचार हमारे लिए तब तक सत्य बना रहता है जब तक कर्म फल का लंबा चिट्ठा उसकी वास्तविकता को नहीं प्रकट कर देता। इसीलिए कारण को कर्ता मानने की साधक जब कभी भूल करता है उसमें अहम का उदय होगा अनिवार्य हो जाता है, और एक बार उदय होना अनिवार्य हो जाता है, और एक बार उसके उदय होने पर वह हमें चेतना के निम्नतर क्षेत्रों की ओर खींच ले जाता है। तो सुना तो हमने ये था कि कर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन एक बार जब हमने कारण को कर्ता मान लिया, यानी मैंने किया, कारण मैं बना, उसको अगर मैंने कर्ता मान लिया, ये अलग अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है, और उन घटनाओं के माध्यम से जो हमने पहले सोचा था कि कर्ता मैं नहीं हूँ, उसकी बजाय ये हुआ कि ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे कहूँ कर्ता मैं नहीं हूँ। ये जब इस तरह की बात पैदा होती है कि कारण यानी करने वाला कौन है, मैं हूँ, तो मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया, जब ये बात होती है तब अहंकार जागेगा। और वो जो अहंकार जागेगा वो फिर धीरे 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 हमको निम्नतम क्षेत्रों की ओर आकर्षित करेगा, यानी फिर हमारी जो चेतना है वो चेतना धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और वो चेतना निम्नतम स्तरों की ओर उधर चली जाएगी। उन क्षेत्रों में पहुंचकर सरलता से हमें छुटकारा भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां की आकर्षण शक्ति अब तक उपयोग में न ली जाने के कारण अपराजय बन जाती है। वो हमारी जो चेतना थी वो उन क्षेत्रों में, अब जो सांघिक क्षेत्र था उससे हटकर किसी दूसरे क्षेत्र में चली गई, व्यक्तिगत क्षेत्र में चली गई, तो वो हटकर जब नीचे चली गई है तब वहाँ पर हमको कोई उससे छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि वो जो आकर्षण है कि व्यक्तिगत रूप से हमने कुछ अलग बात कही और लोगों के बीच में वो बात कही, उनको वो बड़ी पसंद आई, तो मुझे लगेगा मैं हूँ ना, मैं ऐसी बात कर सकता हूँ जिससे लोग आकर्षित होते हैं, मैं आकर्षण का केंद्र बन सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँ तो लोग मेरी तरफ आ सकते हैं। ये जो अब तक इस बात को हमने छुआ नहीं था तो वो अपराजय पड़ी थी, हमने उसको जीतने की कभी कोशिश नहीं की, उसको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो जो अपराजय पड़ी है वो बात, ये जो अहंकार पनप के और ये जो आकर्षण पैदा हुआ है कि इसके कारण से देखो मेरी पूछ हो रही है, तो वो जो अपराजय शक्ति है उसको फिर पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को केवल दो ही तरीकों से मुक्ति मिल सकती है, पहला है अहं की क्षुद्रता का भान और दूसरा है विराट का सम्यक ज्ञान। अब ऐसी स्थिति आ गई तब उससे मुक्त कैसे हो? मुक्त होने का एक तरीका तो है अहम की क्षुद्रता का भान। अहम किस बात का अहम, मैं हूं क्या? क्षत्रिय संघ में भी देखा जाए तो लाखों लोग आए हैं, मैं भी लाखों में से एक हूं, क्या है मैं, मेरी अस्थि क्या है? और जो लाखों लोग आए हैं उनमें लोगों ने ऐसे ऐसे आए हैं जो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे संगठनकर्ता थे, बहुत अच्छे
कार्यकर्ता थे जिन्होंने संघ को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। जीवन भर लोग, जिन्होंने कुछ लोग ऐसे जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया इसी में, उनके बीच में मेरी क्या अस्थि है? अगर मैं इस तरह से अपना विचार करना प्रारंभ कर दूं, अपने अहंकार की क्षुद्रता को की ओर ले जाऊं कि कितना क्षुद्र हूं मैं, अहम, मैं अपने आप को दिखा रहा हूं कि मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन उस बहुत कुछ के पीछे सत्यता क्या है, इस बात को अगर मैं समझना शुरू कर दूं तो निश्चित रूप से अहंकार समाप्त होगा। दूसरा क्या है? विराट का सम्यक ज्ञान। विराट जो इस ब्रह्मांड को चलाता है वो कैसी शक्ति है? जो इस संघ को चलाता है वो कैसी शक्ति है? मैं एक जगह रहता हूँ, एक शाखा में जाता हूँ, और वहाँ भी कभी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बाहरी या हमारी अंदरी, अंदर की बाहरी दिक्कतें भी आती है, उस समय भी हम घबरा जाते हैं, और अंदर की दिक्कत आती है, आपसे आपस की भी कोई दिक्कत आ सकती है, खिंचाव आ सकता है, तो भी हम सोचते हैं अब क्या करें, ये तो सारा गड़बड़ हो गया मामला। अरे तो तुम एक शाखा में एक आदमी के जो हो, एक शाखा का एक स्वयंसेवक हो, वो अगर अपने यहाँ इन छोटी छोटी दिक्कतों को भी तुम सुलझा नहीं सकते तो सारे संघ की बात करो। सारे संघ को जो चलाता है उस आदमी की विराटता को सोचो। इतना बड़ा संघ है जो पूरे हिंदुस्तान में, लगभग राजस्थान, गुजरात में तो बहुत ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, नीचे तक रामेश्वरम तक जो जा पहुँचे हैं, और इधर हरियाणा और पंजाब में भी जो कुछ प्रयास करते जा रहे हैं, ये इतना बड़ा जो संघ है, उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, दिल्ली में कार्य हो रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करता होगा, उनको कैसे चलाता होगा, उनकी कितनी समस्याएं आती होगी, उनको कितना सोचना पड़ता होगा, तो उसको चलाने वाला हमसे क्या कम है या हम उसके बराबर हैं? या ऐसी ही कल्पना अगर हम ईश्वर के बारे में करें तो पूरी सृष्टि को का जो संचालन करता हो, ऐसे व्यक्तित्व के सामने या ऐसे अस्तित्व के सामने हमारा अस्तित्व है क्या, इस बात को जो सोचना शुरू करें तो भी लगता है कि मैं तो उसी का एक अंश हूँ, मैं क्या हूँ, तब फिर अहंकार निश्चित रूप से नियंत्रित हो सकता है। हमारे अहम को यदि यह बोध हो जाए कि वह अरबों नक्षत्रों के बीच एक छोटे से ग्रह पृथ्वी का एक अत्यंत नगण्य और छोटा सा तत्व है, जो स्वयं अपनी क्षणभंगुरता व निर्बलताओं के कारण ऐसा आय है, तो शायद उसे अपनी क्षुद्रता का भान भी हो जाए। ये अरबों नक्षत्र हैं आकाशमंडल में, उसमें एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, छोटा सा, और वो पृथ्वी जो है उसमें मैं हूं, और वो भी क्षणभंगुर, निर्बलताओं से भरा हुआ एक छोटा सा जो ग्रह है, उसके ऊपर भी चंद्र ग्रहण होता है और लोग पीड़ित हो जाते हैं, सूर्य ग्रहण होता है, लोग पीड़ित हो जाते हैं, एक सुनामी आती है, लोग पीड़ित हो जाते हैं, और उस पृथ्वी को भी नुकसान होता है, उल्कापात होता है तो उसको नुकसान होता है। तो इस कारण से एक छोटे से ग्रह पृथ्वी का एक अत्यंत नगण्य और छोटा सा तत्व है, और जो स्वयं अपनी क्षणभंगुरता और निर्बलताओं के कारण ऐसा आए है, तो शायद उसे अपनी क्षुद्रता का भान भी हो जाए, और उसमें मैं हूँ वो कितना क्षणभंगुर हूँ, मैं कितना असहाय हूँ, मैं स्वयं क्या कर सकता हूँ, अपनी निर्बलताओं की ओर देखूँ और मैं कितने दिन ठहरने वाला हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या शक्ति है, मेरा क्या सामर्थ्य है, अगर इस तरह का विचार प्रारंभ हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा जो अहंग है वो धीरे 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 क्षीण होता जाएगा। चिंतन का दूसरा पहलू है विराट के सम्यक ज्ञान की ओर प्रयाण। विराट, वो विराट कौन है? ईश्वर है। विराट केवल निष्क्रिय और तमसाचन जड़ता है, पर उसके विपरीत जब हम उसे सक्रिय और सत्वाच्छादित परम चेतना के रूप में देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे जीवन की दिशा दर्शन को मोड़ने में हमने केवल श्रेय को हड़प लिया है, जबकि हमारे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी निर्णायक क्रियाएं केवल उसी के द्वारा संपादित हुई है। हमको लगता है कि ईश्वर कभी दिखता तो है नहीं, वो तो अदृश्य है, और वो पता नहीं कहाँ बादलों में छाया हुआ है, कहाँ घिरा हुआ है, कुछ पता नहीं। लेकिन उसी को जब हम मानते हैं कि सृष्टि का नियंता वही है, और जब मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई,
तो मीरा का जहर भी अमृत क्यों बन जाता है? क्यों वो ऐसे अद्भुत काम कर देता है? क्योंकि हमने उसको सक्रिय और सत्वाच्छादित परम चेतना के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। वो निष्क्रिय नहीं है, वो अचेतन होकर पड़ा नहीं है, वो तमसाचन नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग थलग नहीं है। ये छोड़कर, उसकी ये भाव छोड़कर हम अगर ये मानने लग जाए कि वो सक्रिय है और सत्वाच्छादित परम चेतना से, सत्व की परे सत्व से आच्छादित प्रेरणा से, मतलब तामसिक नहीं, ऐसी परम चेतना के रूप में देखते हैं, ऐसा है वो रूप, ऐसा हम देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे जीवन की दिशा दर्शन, तब हमको ऐसा लगता है कि हम क्या हैं, कुछ नहीं है, जो करवा रहा है वही करवा रहा है, हम तो कठपुतली हैं, हम तो उसके इशारे पे नाच रहे हैं, ये भान होना शुरू हो जाता है। दिशा दर्शन को मोड़ने में हमने केवल श्रेय को हड़प लिया है। हम चाहे ये सोच लेते हैं कि हमने अपने आप को सुधारा, हमने क्या सुधारा, जबकि हमारे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी निर्णायक क्रियाएं केवल उसी के द्वारा संपादित हुई हैं। जो कुछ भी हुआ है उसी के कारण संपादित हुआ है, ये हम समझ सकते हैं, जबकि उस ईश्वर को हम उस परम चेतना के रूप में देखना प्रारंभ करें। विराट का ऐसा सम्यक बोध होना और उस बोध का सदैव स्मरण रहना मात्र ही साधक में संस्कारों की विपुलता और साधना की गरिमा पैदा करता है। ये बोध अगर हमको हो जाए और उस बोध को हम हमेशा जागृत रखें, सोने नहीं दें, उसको स्मरण करते रहें, तो साधक में संस्कारों की विपुलता और साधना की गरिमा पैदा होती है। तब साधक सोचता है कि अगर मुझे उस परम चेतना की तरफ बढ़ना है और या मैं ये सोचूं मैं उस परम चेतना का ही अंश हूँ, तो मुझे तो ये जो छोटे मोटे अवगुण है, ये मेरा अहंकार है, ये मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये मेरा हठ है, इन सब हठों को छोड़कर अपने अच्छे संस्कार डालने चाहिए, ताकि वो जो मेरे में अंश रूप में विराजमान है वो प्रकट हो सके। और उस तरह का संस्कारों की विपुलता और साधना की गरिमा, तब साधना की क्या गरिमा है, साधना क्यों आवश्यक है और साधना के लिए क्या क्या हमको सहन करना पड़े तो हम कर लें, ये सब बातें तब पैदा होती हैं। और उस गरिमा के कारण साधक अपने अहंकार को नियंत्रित करने को तैयार हो जाता है। अद्यावधि अहंकार के उपचार को हम निरोध द्वारा ही संपादित करते आ रहे हैं। अद्यावधि अर्थात अब तक जो उपचार है अहंकार का, इसको निरोध रूप में ही हम संपादित करते आ रहे हैं। मतलब केवल यही उपचार किया है कि इसको रोको, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, तुम अपने विचारों को ठीक करो, ये ठीक नहीं है। निरोध का निसंदेह लाभ है, लेकिन वह साधना का कठिन और एकांगी नियम है। इसका ठीक है, इससे रोकना चाहिए, रोकना ही है, और ऐसा उसका लाभ भी होता है। उसको हम सख्ती से, नरमी से, जैसे भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसका लाभ भी होता है। लेकिन इससे सरल किंतु इसी का पूरक दूसरा नियम है, अहम के विरोधी गुण की रचनात्मक साधना। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि इसकी विपरीत दिशा की तरफ देखो। अहम का दूसरा रूप क्या होता है, उसका दूसरा छोर कौन सा है, वो जो छोर है उसकी साधना को हम जागृत करें, उस साधना को, रचनात्मक साधना को हम जागृत करें। अकिंचनता और विनय अहम भाव का विरोधी गुण है। अकिंचनता, अकिंचनता का मतलब, किंचन का मतलब बहुत कम, और अकिंचन का मतलब बिल्कुल ही नहीं। अपने आप को ये मानना कि मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और विनय हरेक के प्रति, सिद्धांत के प्रति, व्यक्ति के प्रति, भाव के प्रति, हमारा विनय का भाव आए, हमारे राष्ट्र के प्रति, मानव जाति के प्रति, जो हम अपने विनय को डेवलप करते जाएंगे, विकसित करते जाएंगे, और जो अपने आप को अकिंचन मानते जाएंगे, त्यों त्यों उसकी कृपा बरसेगी, त्यों त्यों उस अहंकार को दूर करने की, क्योंकि अहंकार का विपरीत गुण है ये। अहंकार तो मैं कुछ हूँ, और अकिंचनता मैं कुछ नहीं, विनय नहीं कहीं, मैं जो कुछ भी है उसके सामने मेरा विनय का भाव है। तो ये अहंकार को सीमित करने का तरीका है। अकिंचनता और विनय अहम भाव का विरोधी गुण है।
साधक को चाहिए कि एक ओर जहाँ वह विरोध का आश्रय लेकर संयम की शिक्षा लेता हो, वहाँ दूसरी ओर विनय और अकिंचनता के गुणों का अभ्यास कर अपने भीतर सकारात्मक सृष्टि भी करे। अब जो साधक चल रहा है साधना में, तो एक तो मुझे पता चल गया कि मेरे में कुछ कुछ अहंकार की भावना है, तो मैं उसका विरोध निश्चित रूप से करूँ। ये अपने आप को मैं अपने आप पर खींच लाऊँ, अपने आप पर क्रोध करूँ, ये क्यों आ रहा है मेरा भाव, और मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर मेरा कहीं अहंकार आ जाता है। एक तो ये तरीका है, लेकिन उसके साथ सकारात्मक उपाय भी करना चाहिए, और वो सकारात्मक उपाय ये है कि मैं अकिंचनता के भाव को विकसित करूँ। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ, मैं तो अकिंचन हूँ। मैं ईश्वर के सामने क्या हूँ? मैं मेरे जो प्रणेता हैं उनके सामने क्या हूँ? जिन्होंने इस संघ की स्थापना की है उनके सामने मैं क्या हूँ? जिन्होंने अब तक संघ को चलाया है उन लोगों के सामने मैं क्या हूँ? जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ समर्पित किया है संघ के लिए, पूरा जीवन समर्पित किया है, उनके सामने मैं क्या हूँ? अगर ये अकिंचनता का भाव और उन लोगों के प्रति ये विनय का भाव, जो मेरे से अग्रणी है या मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है उसके प्रति भी, और उसके प्रति ही नहीं जो नया है उसके प्रति भी विनय का भाव, देखो इसने आकर हमारी शक्ति को बढ़ाया है। हालांकि अभी वो कोई संघ का स्वयंसेवक पक्का नहीं बना है, लेकिन फिर भी एक नया साथी हमारे साथ आया है, इसके प्रति भी ऐसा प्रेम का भाव हो तो धीरे धीरे जो हमारा अहंकार है वो सीमित होता जाएगा, और सीमित होकर धीरे 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 बदलता जाएगा। अहम भाव की सबसे बड़ी सुरक्षात्मक पट्टी अकिंचनता है। एक तरफ तो मैं कुछ हूँ, एक तरफ मैं कुछ नहीं हूँ, तो उसकी सबसे जो अच्छा तरीका है वो है इस अकिंचनता के भाव को जागृत करना। कहा जाता है कि कृतज्ञ होने की क्षमता से ही मनुष्य की श्रेष्ठता नापी जाती है। कृतज्ञ होना अर्थात जिस किसी ने कुछ भी मेरे प्रति किया है उसके प्रति ये भाव कि इसके कारण ऐसा हुआ, ये कृतज्ञता का भाव है। मुझे कोई संग में लेके आया है तो वो चाहे आज संग में हो नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे को तो इसने ये मार्ग दिखाया, मेरे को तो उसने इस दरवाजे में घुसाया, ये भाव जिसके मन में बना रहता है उससे मनुष्य की श्रेष्ठता बढ़ती है। तो श्रेष्ठता के मापदंड भी यही है कि उसमें कृतज्ञता का भाव कितना आता है। बहुत कुछ अंशों में ये बात सही है। अहं का निरोध साधना का एक पक्ष है और विनय स्वयं सकारात्मक गुण है। अहम का विरोध किया जाए, निरोध किया जाए, रोका जाए, ये साधना का एक अंग है, लेकिन उसका सकारात्मक रूप यह है कि अकिंचनता के भाव को, विनय के भाव को बढ़ाया जाए। वो उसका विपरीत गुण है। विपरीत गुण जब हावी होता है, जैसे समझ लें कि ये विष है, ये अमृत है, इस विष को तो कम से कम करें और इस अमृत को फैलाएं, तो धीरे 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 इस विष को ढक लेगा, इस विष को समाप्त कर देगा। तो ये अहंकार विष है, ये विनय का भाव, ये अकिंचनता का भाव, ये अमृत है। इस अमृत के भाव को हम बढ़ाएं, इसका विकास करें और इसको सीमित करते जाएं, इसका निरोध करते जाएं, धीरे 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 इसको दबाते जाएं, तो निश्चित रूप से अहंकार समाप्त हो जाएगा। इस गुण का अभाव ही अहम भाव है। और ये जो सकारात्मक गुण है विनय, इसका अभाव ही पैदा करता है हमारे अहंकार को। अगर उसका अभाव नहीं है तो अहंकार रहेगा ही नहीं। तो ये विनय का भाव होना, ये विनय को पनपाना, इस अकिंचनता को पनपाना कितना एहसान है मेरे पर संघ का कि मुझे इस मार्ग पे चलने का मौका दिया। कितना एहसान है उन प्रणेताओं का जिनके कारण से ये संघ एग्जिस्टेंस में आया और जिससे मुझे एक अच्छा सुमार्ग मिला। ये भाव इस तरह से अगर हम विकसित करते जाएं, कितना एहसान मंद हूँ मैं इन मेरे सब साथियों का जो मेरे साथ, मेरे को संग में ले गए, मेरे को साथ मिलाकर सब काम करते हैं। इस प्रकार का जो बार बार विकसित करते हैं, इस प्रकार के भाव के चिंतन करते हैं, तो हमारा जो अहंकार है वो दब जाएगा। जहाँ विनय और अकिंचनता होगी वहाँ अहम भाव एक क्षण भी ठहर नहीं सकता। जहाँ विनय और अकिंचनता, मतलब ऐसा भाव होगा, फिर वो अहम भाव को जगह कहाँ मिली है, तो बात होगी सारा अमृत फैल के
और अब अहंकार रहा ही नहीं, सब जगह फैल गया, अमृत ही अमृत हो गया। ये अमृत है हमारे लिए, विनय और अकिंचिता अमृत है, अहम भाव विष है। तो अमृत इतना फैलाएं, इतना फैलाएं कि अब उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, विष का इतना फैलाएं तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अकिंचिता होगी वहाँ अहम भाव एक क्षण भी ठहर नहीं सकता, फिर अहम भाव नहीं ठहरेगा। और हम साधक बनकर ये अच्छा, दूसरा एक और भी कारण है कि जो ये अहम भाव है, ये पहली बात तो हमारे समझने में बहुत देर से आता है, क्योंकि ये नग्न होकर नहीं आता है, ये ऐसा आवरण ओढ़ के आता है कि बात अहम भाव की नहीं है, मैं तो हित की बात कर रहा हूँ, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे लाभ होगा, ये इस तरह के आवरण ओढ़ के आता है। लेकिन अगर अकिंचन और विनय का भाव हो, अकिंचनता का भाव हो, तो इस तरह का तर्क देने की या इस तरह की ढाल ओढ़ने की, इस तरह का आवरण ओढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, फिर वो बात ही पैदा नहीं होगी। दिखाना किसको है, अहंकार ही नहीं है तो मैं अपने आप को क्या मुझे प्रस्तुत करना है, और तब विनय और अकिंचनता के कारण हम अहंकार को दबा सकते हैं। जय संग सकते हैं।